मनीष जी को आप जानते हैं ना जी? वो आपको जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। कैसे हैं वो व्यवहार में? व्यवहार में तो बहुत अच्छा है, वो विधायक में खड़ा हुआ इतना वो निडर होकर के लोगों से सवाल पूछते हैं, किसी कॉलेज में चले जाते हैं, किसी अस्पताल में चले जाते हैं, वैसे जगह चले जाते हैं जहाँ अनुमति नहीं होती है वहाँ भी चले जाते हैं। तो उनकी शादी उदी के बारे में खाई नहीं आप लोग सोच रहे? नहीं, शादी अभी फिलहाल दोनों बिहार के नाम से जाने जाते हैं। मनीष कश्यप जी नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ अशोक मित्र और आप देख रहे हैं इंडिया वोकल न्यूज। और आज हम बिहार के चंपारण जिले में मौजूद हैं बेतिया, और आप नाम सुना ही होगा अभी जो बिहार में चर्चित नाम सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं मनीष कश्यप जी, जो किसी नाम किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि मनीष कश्यप का घर, मनीष कश्यप का परिवार कितना साधारण परिवार है। किसी दुनिया के किसी कोने में इस समय जाइए, चाहे देश के किसी राज्य में जाइए, तो मनीष कश्यप का नाम लोग जानता ही जानता है। लेकिन मनीष कश्यप का पैतृक गांव, वहां के लोग, उनके परिवार कैसे हैं, आप सभी को मिलाना चाहेंगे। आइए। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अभिनंदन किशोर। मनीष जी क्या लगते हैं आप? वो मेरे बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं, अच्छा अच्छा, तो उनसे बात विचार होती है? हाँ, कभी कभी आते हैं कि नहीं आप? हाँ आते हैं। आप क्या करते हैं? जी मैंने अभी बीटेक कंप्लीट किया है, बस नौकरी की तलाश में। अब मनीष जी अपने सगे कितने भाई हैं? उनके दो, वो दो भाई हैं और मनीष सबसे बड़े हैं, मनीष भैया सबसे बड़े हैं, और उनके बाद उनके छोटे भाई करण कश्यप हैं, त्रिभुवन तिवारी। अच्छा, आपके मैंने चाचा के लड़के हैं मनीष जी? हाँ, हमारे चाचा के लड़के। तो उनकी फैमिली यहाँ पे कुछ रहता है कि नहीं? उनके माता पिता जी? उनकी माता रहती हैं लेकिन अभी वो बेतियाँ गई हैं, और पापा फौज में हैं तो अभी ड्यूटी पे ही हैं। अभी ड्यूटी में? अच्छा, आपके पापा क्या करते हैं? हमारे पापा एयरफोर्स से रिटायर हैं। अच्छा, रिटायर हो चुके हैं, तो यहाँ पे मिलेंगे वो? हाँ, यहीं पे बैठे हैं। अच्छा बैठे, आइए थोड़ा सा इनका घर दिखाते हैं मनीष कश्यप जी का, उनके परिवार वाले से मिलवाते हैं, उनके बड़े पापा से मिलवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? हमारा राधा रमन। ए राधा रमन सर है, ये मनीष कश्यप जी के बड़े पापा हैं, और देख लीजिए इनका घर देख लीजिए। देश के कोई ऐसा कोना नहीं हो, कोई ऐसा राज नहीं है जहाँ पे सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को लोग जानता नहीं है, लेकिन उनका घर देखिए कितने साधारण परिवार से आते हैं, और उनके बड़े पापा हैं, देखिए इनका हाव भाव जो है कितने साधारण परिवार से हैं। मनीष जी से आपको बात होती है कि नहीं? होती रहती है। होती रहती है। तो अभी मनीष जी कहाँ होंगे लगभग? अब भी है रायपुर में, छत्तीसगढ़। आज तो मनीष जी बचपन से ही थोड़ा सा मैंने होनहार थे कि? बचपन से होनहार था, लीडरशिप उसका बचपन से ही था। अच्छा, उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है? ये गांव के स्कूल से, सरकारी स्कूल से हुआ, उसके बाद बेतियाँ, बेतियाँ उसके बाद पूना से इंजीनियरिंग किया। अच्छा, मनीष जी जो अभी मैंने जो वर्क कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, तो ये घर का ऐसे बना कर रखे, उनका तो कमाई बहुत है चैनल से सर, लेकिन ये दिखाने के लिए रखे हैं क्या घर है? तो अपने कम्युनिटी के 60-70% तो वो दान कर देता है, तो ये दिखाने के लिए नहीं, ये हमारे बाबा जी का बनाया हुआ घर है और इसमें हम लोग संतुष्ट है। अच्छा, इसी में संतुष्ट है? ये निशानी के तौर पर छोड़े लग रहा है? हाँ, जो भी समझिए। अभी जो इनका चैनल का जो रिसीव है, जो कमाते हैं, वो तो 10 दिन में यहाँ पे 2-3 ताला मकान तो बन जाएगा, लेकिन चिन्हासी मिट जाती है। आप क्या करते हैं सर? हम एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं। बताइए, जिनके बड़े पापा एयरफोर्स से रिटायर हो, पापा भी मिलिट्री में नौकरी करते हैं, और लड़का इस समय देश के कोई ऐसा कोना नहीं, कोई ऐसा राज नहीं, कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ पे सन ऑफ मनीष कश्यप को जानने वाला लोग नहीं, लेकिन इनका घर देखिए, और इनके बड़े पापा से मिले कितने साधारण परिवार से। यहाँ तो लोग 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 2 लाख रुपये आदमी कमा लेता है, तो उनकी बात ही बदल जाती है, टॉकिंग बदल जाती है, लेकिन इतना बड़ा आदमी होने के बाद, ये मनीष के बड़े पापा हैं, और इतना बड़ा आदमी होने के बाद देखिए कितने साधारण परिवार से इनका बिहेव देखिए कितना बढ़िया। और वो जो सवाल पूछते हैं लोगों से, किसी बेबाकी से पूछते हैं, निडर निर्भीक होकर के, वो जुनून और एनर्जी कहाँ से आती है उनको? ये खानदानी है, हमारे पिताजी भी फौज में थे, हमारे दादाजी लोग स्वतंत्रता सेनानी थे, हम लोग भी फौज से थे, मैंने जीनों का देन है। अच्छा, ये इसी से जुनून मिलता है, निडर कहीं पे मैंने
इतना वो निडर होकर के लोगों से सवाल पूछते हैं, किसी कॉलेज में चले जाते हैं, किसी अस्पताल में चले जाते हैं, वैसे जगह चले जाते हैं जहाँ अनुमति नहीं होती है वहाँ भी चले जाते हैं। वो धन है वो माता पिता और धन है वो परिवार के लोग जो ऐसे बालक ऐसे लड़का का जन्म दिया, और ये गाँव के लोग भी धन है जहाँ पर मनीष कश्यप जैसा लड़का जन्म लिया। तो उनकी शादी उदी के बारे में कहीं नहीं आप लोग सोच रहे? नहीं, शादी अभी फिलहाल नहीं होने वाला है। वो कहते हैं कि बाल मेरा पक गया, उम्र भी अभी 31 साल का हुआ, और कहीं भी मीडिया खाली उसे शादी का ही सवाल पूछती है। शादी का सवाल पूछती है, लेकिन जहाँ जोड़ी बना होगा आएगा, हो जाएगा। वो कहते हैं कि नहीं कि शादी हमारी होगी कि नहीं? ना ना, वो शादी क्या बोलेगा। हाँ, उनके कितने भाई हैं? वो दो भाई है। तो यहाँ आते हैं कि नहीं? सब आते हैं। अच्छा, मनीष जी मैंने अभी कब आए थे इधर? अभी 20-25 दिन पहले आए थे। 20-25 दिन पहले आए थे, आते रहते हैं। आते। अच्छा, गांव के लोगों के लिए इतना तो माने कि दुनिया भर में मदद कर रहे हैं, गांव के लोगों के लिए कुछ करते हैं कि नहीं? गांव के लोगों को रोड बनवा दिया सरिस्मा से लेके महानवा तक, और सरकारी स्कूल में 6 कंप्यूटर अपने पैसा से लगा दिया सरकारी स्कूल में, और भी जो भी यहाँ पे आते हैं उनका प्रॉब्लम का समाधान करता है। अच्छा, ये गांव के लोग कुछ यहाँ बैठे हैं, उनके उनसे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। मनीष जी को आप जानते हैं ना? जी। वो आपको जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। कैसे हैं वो व्यवहार में? व्यवहार में तो बहुत अच्छा है। वो विधायक में खड़ा हुआ था तो उसको 10,000 वोट मिला था। 10,000 वोट मिला। जी। इस बार क्या स्थिति, अभी लड़ेंगे कि नहीं? अभी तो नहीं, इसके बारे में बात करता है। जी कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। आप लोग से बात होती है कि नहीं उनसे? होती है, फोन से। फोन से बात होती है, आता है गांव। अच्छा, गांव के लिए कुछ करते हैं कि नहीं? गांव में तो बहुत कुछ करता है, ये रोड उसी का देन है। अभी देखे हो गए, रिपेयर हुआ है उसी के, थोड़ा टूट फूट गया था तो उसी के डर से कलेक्टर इधर पक्का ध्यान रखते हैं। अच्छा। कलेक्टर की हाँ, मनीष सबको बहुत सवाल करेगा, इसलिए जाकर पहले उधर रिपेयर कीजिए आप लोग। अच्छा, यहाँ भी आता है तो जो कोई शादी हुआ, किसी का मरण हरण हुआ, कोई मंदिर शंदिर में चंदा मांगता है तो निर्भीक होकर देता है, वो 10,000 से कम किसी को नहीं देता है। तो आते हैं तो कहीं नहीं कहते कि अपना भी घर बन, कितने लोगों घर बना दिए, घर बसा दिए, तो अपना भी क्यों नहीं घर बनवा लेते हैं बढ़िया? ये तो हम लोग कहते हैं घर बना लें और शादी करके घर बसाए। शादी का तो हम एक बार पूछे जी कि भाई तुम्हारी शादी के लिए हम लोगों के पास बहुत लोग आता है, क्या जवाब दें हम लोग? तो बाबा जी अभी हम शादी नहीं करेंगे, यही जवाब दिया था। तो बिना आजकल लड़का लड़की से पूछे हुए शादी करना भी ठीक नहीं है, इसलिए उसके खिलाफ हम लोग नहीं जा रहे हैं। आ इसी डर से कि कैसे वो जल्दी जल्दी नहीं ना आता है। जी जी, कभी आ गया 6 महीना 2 महीना पर आता है तो चुपके आएगा कि भाग जाए, नहीं तो और भीड़ लग जाएगी। जी जी। कि कोई जो गांव में होता है, कोई काम कार्य यहाँ पे होता है तो उसमें आते हैं। जी जी जी, लोग पूछता है ना, इन्फॉर्म कर देगा कि जगह है, ये है वो है, आओ। आएगा भले छनिक आवे, थोड़ा देर के लिए ही आवे, लेकिन आता है। बुलाने पर आते हैं। जी जी, यही होना चाहिए। ये देखिए इनका घर है एस्बेस्टस का, ये घर देखिए। बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार का घर कैसा होगा। लोग जानते होंगे कि 2-3 मंजिला बढ़िया सा घर होगा, मार्बल का घर होगा, लेकिन ये घर देखिए। कहते हैं हौसला बड़ा होना चाहिए, घर बड़ा हो इसे कोई माने नहीं रखना चाहिए। घर देखिए एल्बेस्टर का घर है ये, और इनके बड़े पापा खुद रिटायर हैं फौज से, लेकिन इनका कहना है कि हमारा जो पैतृक घर है उसी में हम लोग खुश है। इंसान के पास चाहे जितना धन संपत्ति हो जाए, जब तक संतुष्टि नहीं रहेगी तब तक उसको जीवन सफल नहीं होता है, क्या सर? बिल्कुल। उनके पापा कहाँ रहते हैं? उनका पापा अभी बॉर्डर पर ही। अच्छा, मनीष जी जो बचपन में जब पढ़ते थे तो इस गांव में पढ़ते थे कि प्राइवेट किसी स्कूल में? नहीं नहीं, इसी गांव में पढ़े, 3री क्लास तक यहाँ पढ़े, उसके बाद हम लोग सरिस्मा हॉस्टल में दे दीजिए, यही सरिस्मा बाजार है नज़दीक में, तो वहाँ पे एक हॉस्टल चलता था, वहाँ पे चले गए। उसके बाद उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक? शिशु विद्या मंदिर में हुआ बेतिया, और उसके बाद इंटर करने के बाद चले गए क्या बोलते हैं पूना से सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक किए,
और वहाँ से सर्विस में चले गए। अच्छा बताइए, इंजीनियर आदमी करता है कि इंजीनियरिंग करेगा, कहीं जॉब करेगा, देश के सेवा में कहीं ना उतर, इंजीनियरिंग करने के बाद बहुत ऑफर मिल जाता है कंपनियों का जॉब करने के लिए, लेकिन एकाएक उन पे पत्रकार की कैसे भावना जाएगी, वो कैसा क्षण आया, कैसा समय आया कि उनको पत्रकारिता में आना पड़ा? नहीं, नहीं, वो अच्छा जॉब में था, अच्छी कंपनी में था और प्रोजेक्ट मैनेजर था वो, तो उसका सैलरी उस टाइम 80,000 रुपया करीब करीब था, अच्छा काम कर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पत्रकारिता में आने का कोई विचार नहीं था, लेकिन उसका ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो गया और RTO ने उसको इतना परेशान कर दिया कि वो उसका माइंड बदल गया और बोला कि जब हम इतना परेशान है तो पब्लिक कितना परेशान है। देखिए, बहुत लोग जानते नहीं कि मनीष जी का पत्रकार बनने का मकसद क्या हुआ, वो कौन सा क्षण उनका ड्राइविंग लाइसेंस ही खो गया और उसमें बनाने के लिए इतना उनको परेशान होना पड़ा जिस कारण से उनको इस लाइन में, पत्रकारिता वाला लाइन में आना पड़ा, कि एक साधारण आदमी को एक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने लिए कितने परेशानी होती है तो आम पब्लिक को क्या परेशानी होती है। वही कहते हैं कि दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए और मुश्किल कुछ नहीं है अगर ठान लीजिए। अगर आदमी ठान ले कि मुझे ये चीज करना है दुनिया में तो जीवन में कोई चीज असंभव नहीं है। अच्छा, वो चुनाव यहाँ से लड़े थे? विधायक के चुनाव लड़े थे और काफी बढ़िया प्रचार उनका हुआ और जीतने की भी संभावना था, लेकिन जात धर्म पर वोट पड़ने लगा इसलिए उनको वोट कम पड़ा, फिर भी वो पूरे बिहार में निर्दलीय में सबसे ज्यादा वोट। अच्छा, निर्दलीय से चुनाव लड़े? निर्दलीय से चुनाव लड़े थे। अच्छा, और पूरे बिहार में सबसे ज्यादा निर्दलीय का वोट उन्हीं को मिला। अच्छा, निर्दलीय में जितने कैंडिडेट पूरे बिहार में लड़े थे उनसे सबसे ज्यादा वोट, ज्यादा वोट उन्हीं को मिला है। तो अभी तो फिर 2 साल के बाद चुनाव आने वाला है, तो अभी लड़ने का उनका कुछ मन वगैरह आप लोग से तो कुछ बात होता होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल संभावना है, लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जब तक पावर नहीं हाथ में आएगा तब तक क्राइम नहीं मिटेगा। पावर आएगा तभी और कुछ सुधार होगा, सुधार होगा, पावर नहीं आएगा तो सुधार नहीं होगा। तो लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं कि नहीं? अभी चुनाव लड़े, जनसंपर्क है, पब्लिक चाहेगी तो अभी न लड़ेंगे, अभी तो हम लोग पब्लिक पर ही छोड़ दिए हैं कि पब्लिक डिमांड करेगी, चाहेगी तो चुनाव लड़ेंगे। अभी किसी पार्टी वगैरह से कोई साठ गांठ हो रहा है कि निर्दलीय फिर लड़ेंगे? ना, वो तो अभी तो जितना नाम हो गया है सर उनका, जितना नाम हो गया है, हमको तो नहीं लगता है कि कोई ऐसी पार्टी नहीं हो जो टिकट देने के लिए न कहे। नहीं नहीं, सब कोई देने का, लेकिन अभी वो नहीं किसी पार्टी में है, नहीं किसी जाति में है, इसलिए जाति और पार्टी से उसको बहुत नफरत है। देखिए कैसे लड़ता है, किस तरह पब्लिक जिताती है। न जाति काम करता है, न पार्टी काम करता है, बस माटी काम, जिस मिट्टी से हैं उस मिट्टी का वो कर चुका रहे हैं। और बहुत वो सौभाग्यशाली ये गांव के लोग हैं जो मनीष कश्यप इस गांव में जन्म लिए, और अगर कहीं मुलाकात होती होगी यहां के लोगों को और बोलते होंगे कि हम मनीष कश्यप के गांव के हैं तो एक गर्व महसूस होता होगा। गर्व का, जैसे ब्लॉक में जाएंगे बोलेंगे कि कोई काम नहीं हो रहा है, बोलेंगे मनीष को सबको बता देंगे, फट दे काम हो जाता है। बताइए, इतना खौफ है अधिकारियों के, सरकारी जो भी अधिकारी हैं चाहे जो भी भ्रष्ट लोग हैं, कि मनीष कश्यप का नाम सुनते ही काम बन जाता है, और आपको तो और सर गर्व होता होगा। नहीं नहीं, हम लोग तो गर्व है ही, हमारा लड़का है, इसमें गर्व की तो बातें है जो काम कर। एक और बात है, यहाँ पे मिडिल स्कूल था जी, और हाई स्कूल के आप प्लस टू कॉलेज बनवा दिया, मिडिल स्कूल से इंटर, इंटर। यही कहते हैं अगर आप आगे बढ़िए, कुछ कामयाब होइए तो सबसे जमीन से जुड़े रहिए, पहले आप जहां हैं वहां कुछ करके दिखाइए, ताकि आपका जो जन्मभूमि है पहले वहां कुछ डेवलप करिए, अगर नहीं किए होते तो बताते नहीं। यहां पे पहले मिडिल स्कूल था, उसके बाद हाई हुआ, अभी इंटर हो गया, यहां के जो बच्चियां होंगी, जो बच्चे होंगे, दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने गाँव में अगर इंटर कॉलेज हो जाए, मैट्रिक स्कूल हो जाए, तो फिर दूर जाने की जरूरत क्या पड़ेगी। तो अभी आप सबको मैंने दिखाया कि ये उनका एल्वेस्टर का घर है, उनके बड़े पापा हैं, और बहुत ही इनका जो स्वभाव है, एक साधारण व्यक्ति जैसे इतने बड़े ओहदे से रिटायर किए हैं, और इनका जो बच्चा है, इनका जो भतीजा है मनीष कश्यप जी, इस समय देश दुनिया में नाम कमा रहे हैं, पैसे के भी कोई कमी नहीं है, लेकिन इन लोगों का जो स्वभाव देखिए, इनका जो आचरण देखिए, इनका रहन सहन देखिए, बिल्कुल एक साधारण परिवार से है, और यही दर्शाता है कि आदमी के पास चाहे जितना भी धन हो जाए, कितना भी पावर हो जाए, लेकिन एक सामान्य परिवार के जैसा रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।